सेल्फ स्टडी से क्या होता है, आप अपने पेस के हिसाब से अपने आप को देखते हैं। देखो आप जब कोचिंग जाते हो तो कोचिंग में क्या होता है ना कि आप टीचर जो पढ़ा रहा है वो हर बच्चे को सेम समझ के पढ़ा रहा है। अब उसमें तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एवरेज होते हैं, जो पुअर भी होते हैं और जो इंटेलिजेंट होते हैं। अब ज्यादातर कोचिंग सेंटर में इंटेलिजेंट को ध्यान में रखते हुए क्लास ली जाती है, उसको फर्क नहीं पड़ता एवरेज को समझ में आया कि नहीं आया या फिर पुअर को समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपके कंपटीशन में तो कोई है नहीं, तो आप जानते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कितनी पेस से पढ़ सकते हो। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप अपने तरीके से उसको स्टडी कर सकते हो, अपने पेस से उसको स्टडी कर सकते हो, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो आपकी सेल्फ स्टीम भी बनी रहती है कि नहीं यार मुझे जिस वे से समझ में आता है, चाहे मैं आज दिन में टॉपर के जैसे चार चैप्टर नहीं कर पाऊंगा लेकिन एक तो कर पाऊंगा और वो एक अच्छे से करूंगा। पांचवा सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट। जब आप सेल्फ स्टडी करना शुरू करते हो तो आप एक टाइम टेबल प्रॉपर बनाते हो, उसको फॉलो करते हो, तो आप टाइम की अहमियत समझते हो और टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू करते हो, जिससे टाइम टेबल की आपकी स्किल भी इंक्रीज होती है। आप जानते हो मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे इतना घंटा बैठना है, तो अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देते हो। ये अब आते हैं अपन, सेल्फ स्टडी इज रिकमेंडेड बाय द टॉपर्स।